गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच, आपने हमारी पुरानी वीडियो को देखा और बहुत टाइम के बाद हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं और आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह। वैसे भी आपको पता है सोलन बहुत अच्छी जगह है और आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं हम, वहाँ पे बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी भी शूट हुई है, डायरेक्ट हम वहीं पे बताएंगे। और बाकी आपको मैं बता दूँ, अभी बड़ोक रोड पे है हम दोनों। अभी देखिए आज, हेलो गाइस नमस्कार, आज हम जा रहे हैं कसौली की ओर। बाकी व्यू आपको वहाँ दिखा देंगे। पीछे जो देख रहे हैं आप, पीछे है सोलन हमारा। सोलन का ये शांति एरिया है सामने वाला, ठीक है। और कुछ तो मिलते हैं, प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। और ये लाडो से भी मिला दो, ये इनकी लाडो, इन्होंने, ये मेरी लाडो है। मैं कहीं भी जाता हूँ, ऊपर को करो, ऊपर नहीं दिख रहा, मैं कहीं भी जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, कभी भी कहीं जाना हो, ये मेरे, इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसका नाम मैंने प्यार से लाडो भी रखा है। कहीं जाने आज इसी में आज हम जा रहे हैं कसौली की ओर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बस आ गई है, हम दोनों राइडर अभी तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं सीधा, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, थोड़ा सा रास्ता दिखा देंगे, उसके बाद जा रहे हैं। चलो चलते हैं। गाइस, ये रहा हमारा रास्ता और ये जो, ये हम आज ऊपर वाले रास्ते से आए हैं और ये चंडीगढ़ से जाता है सीधा। और हमें अभी क्रॉस करके भोपाल पहाड़ी से क्रॉस करके बड़ोक जाना है। आप देख सकते हैं इनका हाथ, ये आपको साथ साथ में डायरेक्ट भी कर रहे हैं। और ये मेरे ड्राइवर, मैंने ऐसे मत चलाओ ना बाइक की तरह। अभी मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग घूमने आ सकते हो सोलन। सोलन में से बहुत अच्छी अच्छी जगह है, कसौली एंड शिमला, आस पास बहुत सी चीज़ें हैं। हम बड़ोक पहुंच गए हैं और आप देखो यहाँ से भी नीचे वाला रास्ता भी है, यहाँ से भी चंडीगढ़ जाते हैं और यहाँ से भी चंडीगढ़ जाते हैं। यहाँ पे बसेस मैक्सिमम यहाँ से जाती है और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो नीचे जाती है। आपको मैं नीचे वाला एरिया दिखाती हूँ। और ये देखिए महाराज जी क्या कर रहे हैं। जो रोड है ये देखिए, शायद आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा MMU वाला रास्ता, ये MMU वाला रास्ता ही है और ये भी नीचे चंडीगढ़ को ही जाता है। मतलब ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता कुमार हट्टी में जाके मिलते हैं दोनों। टर्निंग पॉइंट है और ये है कुमार हट्टी का आधा व्यू।
कुमार हट्टी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं आती थी मुझे भी यहाँ सोलह में 6-7 साल हुई, तो इतना कुछ नहीं था। हाँ, ये ऊपर ये वाली जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये है मंकी पॉइंट। आई थिंक हम यहाँ तक तो नहीं जा,
चुका है यहाँ पे जाम काफी तगड़े वाला। ये देखिए लंबा जाम है, लेकिन हम देखा टू व्हीलर का फायदा और हम आ गए हैं। नहीं आप कोई स्पेशल हो जो पहले ही घुस चुके हो? मत जाओ वालो, रहन दो। अब देखो तो, देखो तो वीडियो बनाया। हाँ बना दिया। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा मेरे शेर को। देखा अब मुझे फील हो रहा है कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। बहुत लंबा जाम है यार, आते जाते दो बार। ओ माय गॉड, अब देखो कट लेंगे यहाँ पे। मंकी कहाँ से कट लेंगे अब? हाँ कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। ये हुई हमारी जर्नी स्टार्ट। बनाया यार आप कितना, बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं ये मेरा, ऐसा लग रहा है। क्या बताऊंगा आपको, फिर अगली बार घूमने चलने को बोलेंगे। पार्किंग तो लगानी पड़ेगी। नहीं ऊपर लगा, ऊपर ऊपर ऊपर। क्या बोल रहे हो? सॉली। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे फोटो शूट करते हुए। चुके हैं कसौली के चर्च में। और ये चर्च नाम क्या है? क्राइस्ट चर्च ना? क्या बंदे हो यार, द क्राइस्ट चर्च। और यहाँ पे मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ, जो ये वाला ये चर्च है कि एस्टेब्लिश हुआ है 1853 आई थिंक, इसके आसपास ही हुआ है। सो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर। चलो सुनो वॉच, ये तो देखते हैं। घड़ी देखी आपने? आओ फिर। ठीक है, पहले के लोग मतलब इसी से ही पता लगाते थे कि टाइम क्या हुआ है। और ये अंग्रेजों ने बनाई हुई है, ये देखिए। मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और ये लोग ऐसे करके ही पता लगाते थे कि अभी टाइम क्या हुआ है। और ये बिल्कुल कन्फ्यूज है कि पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत पुराना चर्च है ये, मैंने आपको बताया जैसे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1853 में, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब हम अंदर जाते हैं। चलो ये चर्च का अंदर, चर्च में जाके आ चुके हैं। और वहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोज़ वगैरह हम शूट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम बाहर का ही व्यू ले रहे हैं। एक्चुअली में अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं को बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं चर्च आया हूँ। कसौली अंदर तो गए नहीं? कसौली बहुत बार आया हूँ, पर मैं चर्च में कभी नहीं आया यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम आया हूँ तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बाकी आपको दिखाते, काफ़ी लोग बाहर के लोग आए हैं चंडीगढ़ पंजाब के। बैक वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज वगैरह शूट हो रहे हैं। मैं भी इधर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब बाहर वाले एरिया में। हम कहाँ जा रहे हैं उसके बाद? जाएंगे, जा जा जाएंगे, वहाँ बताते रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके ठंड की वजह से वो जाम हो चुका है। कुछ भी नहीं है बैक पे। दिस इज द व्यू ऑफ कसौली। और ये देखिए, ये देखिए इनको। पूरे फोटोग्राफर बन चुके हैं। हाँ हाँ जी, दिखाओ कैसी फोटो ली जरा। वाओ वॉलपेपर, वो खा लेते हैं 10 रुपए। अभी लिखा है ऊपर से। कितने गंदे हो यार, देख लो देख लो, ये बंदे मुझे वो खाने भी नहीं दे रहे। ध्यान से देखो इस शख्स को, जाओ पूछ के आओ। तो नहीं जाए जा पाएंगे ना हम मंकी पॉइंट? हम लोग मंकी पॉइंट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर है, और हमें स्कूटी गाड़ी वगैरह कुछ ले जाने को नहीं दे रहे हैं। और अभी हम लंच करने जा रहे हैं, भूख लग रही है।
लंच करने तो क्या मतलब थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, फिर सनसेट पॉइंट दिखाएंगे आपको वहाँ से बत्ती एंड दिखता है ये क्या है। अच्छा तो ये है कसौली का माल रोड, लेट्स सी। शॉप में बन समोसा खाना है। हमारा बन समोसा कहीं भी खाओगे करो टेस्ट। मैं जा रहा हूँ। अच्छा विदाउट चटनी के? चटनी नहीं ली आपने? है इसमें और आप देख सकते हैं हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चलते बट सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ही चल रहे हैं, है ना? Yes, बिल्कुल। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मोस्टली आपको दिखा दूँ ये टेबल टेनिस ग्राउंड है कसौली का, पूरी दीवार बांस की बनी है। बचपन में हम इन बांस के कलमों से वो बनाया करते थे, कलम बनाया करते थे, शायद आपको भी याद हो। अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लोगों ने भी कलम बनाई है। और ये सनसेट पॉइंट, यार अभी तो सनसेट नहीं होगा,
बट फिर भी आपको दिखा देते हैं यहाँ से कि हालत देख सकते हैं अभी बिल्कुल ऐसे हो गए, ये बात नहीं है। हाँ मेरे को भी दिख रहा, बट मैं बस एक क्या कहते हैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि कैमरा इधर है तो मैं इधर ही देख रही हूँ। तो गाइज आपको मैं बता दूँ, सोलन का नाम पता नहीं कब हटेगा, कसौली काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे जो सनसेट पॉइंट है यहाँ से आई थिंक अभी तो नहीं दिखेगा क्योंकि धूप बिल्कुल ऊपर है और हमने जल्दी जाना है। तो यहाँ से बद्दी एंड कालका दिखेगा चंडीगढ़। हाँ तो आपको वहीं पे लेके जा रहे हैं, बट आई थिंक सो वो दिखेगा। कसौली में वैसे बहुत सारी जगह है, फर्स्ट बाबा बालकनाथ का मंदिर एंड सेकेंड गुरुद्वारा भी कसौली में है, थर्ड क्राइस्ट चर्च और सनसेट पॉइंट, मॉन्की पॉइंट। वहाँ पे हम नहीं जा सके, काफ़ी दूर है और हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो आई होप कि आप हम आपको दिखा पाए। और ये क्या कर रहे हो, फट रहे क्या पिक्सल? तो अभी हम सनसेट पॉइंट वाला आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। संडे था, वैसे भी अगर हम ऐसे घर पर रहते तो बोर हो जाते थे, इसलिए चलो आउटिंग भी हो गई और थोड़ा ब्लॉग भी बन गया छोटा सा और फैमिली भी बन गई। क्यों पार्किंग वर्जित क्षेत्र उल्लंघन करने पर 2500 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये रहा हमारा सनसेट पॉइंट, और थोड़ा आपको पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। सनसेट पॉइंट बट अभी दिखेगा नहीं क्या? चाय बनती है सच में? भाई चाय बन गया। गाइस तो ये देख सकते हैं आप, सनसेट पॉइंट है, बोर्ड लगा है, लुक बियॉन्ड यू सी ब्यूटी लुक डाउन एंड दिख रहा है ये सनसेट पॉइंट। यही तो है सनसेट पॉइंट, क्या दिख रहा है सनसेट पॉइंट? अभी अभी मतलब धूप काफी तेज है इसलिए हमें वो सब दिखाई देगा। कितने की चाय है? और तोड़ मत देना झूला, भारी भरकम चलो पी लेते हैं। क्या आप से लेट ही गए वहाँ पे यार? तो अभी बन रही है हमारी चाय यहाँ पे, अब चाय का भी इंतजाम कर दिया गया है। कितने टाइम से अंकल आप यहाँ पे? कितने टाइम से हो यहाँ पे? 2015 से। इसी जगह? नहीं पहले देखा नहीं मैंने। हाँ इसमें मैं नहीं रहता हूँ। कितने रुपए की चाय है? 20 रुपए। तो यहाँ पे 20 रुपए की बढ़िया चाय मिलेगी। अच्छा। नहीं बनाते है ना? चलो अच्छा हो गया। चाय का पानी कहाँ से ले रहे हो? पानी कौन सा डाल दो, बिस्लेरी वाला? ये पानी बिस्लेरी का। ये लोग जलते हुए वीडियो कॉल पे देख सकते हैं आप, जल रहे हैं कुछ लोग क्योंकि हम ब्लॉग आए हैं कसौली। पहले चाय पी लेंगे तब देंगे हम। कहते हुए ये है हॉलिडे होम कसौली का, नग मच दिलने तो उसको चुनाए दास्तान। दूरदर्शन टावर भी हम आ चुके हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चढ़ के, सनसेट अभी भी नहीं हुआ है, नहीं तो हम लेट हो जाते इसलिए हम आ चुके हैं। वैसे कसौली बहुत सुंदर है, आप खुद सोचो मतलब पूरी जंगल के बीच में इतना सुंदर कसौली बसा है। यहाँ से शिमला भी नज़दीक है एंड सोलन भी। सो अभी बच गए हैं शाम के 5
और हम जा रहे हैं घर और मतलब काफ़ी थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और कसौली आपको पता है बहुत सुंदर जगह है, जंगलों के बीच में, यहाँ से बद्दी भी नज़दीक है, चंडीगढ़ भी नज़दीक है, सोलन भी नज़दीक है। सोलन से ही आई थिंक अप्रॉक्स 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे वैसे घूमने की बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बट हम आपको दो तीन पॉइंट ही ले सके। और वहाँ पे जाने के लिए स्पेशली मॉन्की पॉइंट कहा जाता है कि वहाँ पे जो क्या था बताना, वो वाली हिस्ट्री तो बताओ मंकी पॉइंट की, तो ये बताएंगे। चलो बताओ मंकी पॉइंट है वहाँ पे, पर वो फैक्ट है कि नहीं ये नहीं पता ना। फैक्ट ही है जो मैंने सुना, नेट पे आप देख सकते हो। जो मैंने सुना है, जब रामायण हुई थी, रामायण में युद्ध हुआ था जब, ठीक है शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी घायल हो चुके थे, तो उनको घायल हो चुके थे तो वो क्या था, रुक जाओ धक्के में, बंद करो बताओ क्यों करो बंद। तो वो युद्ध के दौरान घायल हो चुके थे, तो उनके लिए क्या था, उनको क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी के लिए बोला था, तो हनुमान जी यहाँ पे उन्होंने एक पैर एक इधर कसौली पे रखा था। मैं तो फास्ट बोलो ना। हाँ, संजीवनी बूटी के लिए बोला था जिससे उनका घाव भर सके और वो ठीक हो सके। तो क्या किया, हनुमान जी ढूंढने गए हिमालय की ओर कि वो जड़ी बूटी का पहाड़ कौन सा है, संजीवनी बूटी का पहाड़ कौन सा है। तो वो उड़ते उड़ते वो एक जगह खड़े हो गए, तो उन्होंने एक पैर अपना इस पॉइंट पर रखा था, मंकी पॉइंट बोलते जो कसौली का, एक पैर वहाँ रखा था और एक पैर उन्होंने शिमला जाखू में रखा था। अगर आप डिस्टेंस देखेंगे दोनों का तो सेम ही है, अगर हाइट देखेंगे दोनों का तो दोनों का हाइट सेम ही है पैरों का, और इस वाले मंकी पॉइंट में पूरे पैर के निशान बने हैं हनुमान जी के। तो इन्होंने यहाँ से खड़े होकर संजीवनी पहाड़ को देखा था जड़ी बूटी, तो यहाँ से उन्होंने देखते हुए उनका पैर का निशान छप चुका था। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, ही इज इंटेलिजेंट गाय। तो ये थी मंकी पॉइंट की स्टोरी, बट हम वहाँ पे नहीं जा पाए, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। इन्होंने व्हीकल नॉट, क्या बोलते हैं, व्हीकल अलाउड नहीं किया इन्होंने यहाँ पे। हाँ, पहले व्हीकल अलाउड था, हम पहले भी गया हूँ मैं, पहले हम गए थे तो माय गॉड बहुत सारे बंदर आ गए, कुत्ते यारे आप भी क्या यार। यहाँ पे बहुत सारे बंदर कुत्ते हैं, मतलब शिमला और कसौली बिल्कुल एक जैसा लगता है, बहुत डर लगता है इधर से कहीं मेरा फ़ोन छिन ना जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से बोल रही हूँ लाइक कर देना प्लीज़, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर देना, बंदर आ